Always forgivable if you admit them. Astaghfirullahi, Rabbi, min kulli zambiyu wa tubu ilayh. MashaAllah. So innocently they explained us the meaning of forgiveness, that it is a virtue of brave. So if you want to peace, bow down to Allah subhanahu wa ta'ala, put your foreheads on the ground, talk to him and pour your heart out. Reflect, regret and repent. Jhoot mein halak, sachai mein nijat. Jhoot bolne wale pe Allah ki lanat hai. Jhoot bolne wale se farishte dur bhagte hain. Sachai insaan ko nijat ata karti hai. Sachai falah aur kamyabi ki zamanat hai. Sachai momin ki shaan hai. Sachai akhlaq aur kirdaar ki bulandi ka naam hai. To persuade you towards truth and piety, I call upon Jhoot Mat Bolna Squad from grade 2nd. आइए उससे पहले सच पर एक बहुत ही उम्दा तकरीर जो हमारे यहाँ माशाल्लाह अभी कुछ दिनों पहले एक इंटर ब्रांच कंपटीशन हमारा हुआ तीनों ब्रांच के अंदर और उस कंपटीशन के अंदर हमारे इस बच्चे ने थर्ड पोजीशन हासिल की. मैं दावत दूंगा खान साजिद शादाब को कि वो तशरीफ लाएं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. معزز اساتذہ کرام سامعین کرام اور عزیز دوستوں آج میری تقریر کا عنوان ہے سچائی. میرے دوستوں इंसान की अच्छी सिफात में से एक बहुत अहम सिफत सच बोलना है कि इस्लाम की एक बुनियादी तालीम है. इससे अखलाक सवरते हैं. निजात सच्चाई के ज़रिए से ही मिल सकती है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई की अहमियत बताते हुए फरमाया, सच्चाई को मजबूती से पकड़ो क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है. अल्लाह ने सच बोलने वालों के लिए मगफिरत और शानदार अज्र का वादा फरमाकर सच बोलने वालों के मकाम व मर्तबा को बाला कर दिया है. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सच्चा अमानतदार ताजिर अंबिया सिद्दीकीन और शहादा के साथ होगा. सच बोलने वाला लोगों की निगाह में गिर जाता है, लोगों की निगाह में महबूब बन जाता है, लोगों के दिलों में उसका एक मकाम हो जाता है, लोग उसकी बात सुनते हैं और उस पर भरोसा करते हैं. मेरे दोस्तों इसके मुकाबले में झूठ बहुत गंदी आदत है, लानते खुदावंदी का जरिया है, खुदा की रहमतों से दूर होने का सबब है. हदीस में है, जब कोई इंसान झूठ बोलता है उसकी मुंह की बदबू से फरिश्ते 1.5 किलोमीटर दूर चले जाते हैं. झूठ बोलना मुनाफिक की आदत है. ईमान वालों में सब बुरी आदतें हो सकती है लेकिन ईमान वाला हरगिज झूठ नहीं बोल सकता. ईमान और झूठ एक जमा जमा नहीं हो सकते. झूठ बोलने वाला लोगों की निगाह में गिर जाता है, फिर मौचरे में उसकी बात की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती और उसकी बात का भरोसा भी ख़त्म हो जाता है. इसलिए हम सब झूठ बोलने से तौबा करें और आइंदा हर वक्त सच बोलने का आज़म करें. अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सच्चा अमानतदार बनाए. आमीन व आखिर दावान अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. जज़ाकल्लाह. माशाअल्लाह बहुत खूब. झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना. गुफ्तगू के लिए जब ज़ुबान खोलना, ज़ुबान खोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना.
मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। गुफ्तगु के लिए जब जुबां खोलना, जुबां खोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है, जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है, चैन खो जाता है, चैन खो जाता है। ऐसा खतरा ना हर किस कभी मोलना, कभी मोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। बात करने से पहले उसे तोलना, उसे तोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। बोलना,